सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पीके साहू, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, शिक्षक का अभिलेख सत्यापन प्रपत्र जस्ट 2-3 घंटे पहले जारी हुआ है और आपको पता है मैं सबसे लास्ट टाइम में वीडियो बनाता हूं, कहीं ना फंसा हुआ रहता हूँ और जैसे पहले बनाता था उतना मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, बुरा भी लगता है। चलिए कोई बात नहीं, उस बात को छोड़ें। तो यहाँ पे मैं बनाने का उद्देश्य है, साथ ही यहाँ पे एक पॉइंट और जुड़ चुका है और कई लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि घबराना स्वाभाविक है। हम भी जब सत्यापन में गए थे तो क्योंकि ये नौकरी का सवाल है, ज़िंदगी का सवाल है, तो थोड़ा सा घबराना जायज़ है। लेकिन बताना चाहूँगा मैं आपको, निश्चिंत रहना है। अब क्या क्या लगेगा आपको बता देता हूँ। ये जो दिख रहा है जितना भी तारीख है, जैसे आपका 24 मान लीजिए 8/2023 यहाँ लिख दीजिए, रैंक मान लीजिए आपका 700 है तो 700 है लिख दीजिए, टेबल क्रमांक आपके वहाँ जाओगे तो चार्ट में लिखा रहेगा, जो भी रहेगा 2, 3, 4 जैसे भी आप लिखेंगे, इसको छोड़ दीजिएगा। आप लोग इसको भी छोड़ देंगे फिर भी चलेगा, वहाँ बताते हैं, हेल्प करने वाले रहते हैं। यहाँ पासपोर्ट साइज नवीनतम जो यहाँ पर आपका जैसे भी साइन करके यहाँ पर आपको डालना है। व्यापम द्वारा जारी सूचना पत्र में सबको बता रहा हूँ साथियों, यहाँ पे छाया प्रति आपको संलग्न करना है। आपका जब आईडी पासवर्ड आप डालेंगे तो आपको एक कॉल लेटर मिलेगा, वो एक वही प्रूफ होता है कि आपको बुलाया गया है, उसमें सारी चीज़ें लिखा हुआ रहता है क्या दस्तावेज लेके आना है। तो चूँकि मैं डाला नहीं हूँ और मेरे पास कोई संपर्क नहीं है तो मैं उसको नहीं दिखा पाऊँगा। यदि आप चाहते हैं इसको देखें या कोई जाने, यदि कोई देना चाहते हैं अपना आईडी पासवर्ड तो दे सकते हैं, ऐसे तो गोपनीय होता है वो। यदि कोई चाहते हैं कि सर आप देख सकते हैं तो मैं उसके हिसाब पर मैं वीडियो बना सकता था, लेकिन मैं किसी से नहीं मंगा। उसके बाद यहाँ पे ओवल आर व्यापम मेरिट रैंकिंग जैसे यहाँ पे दिया है, देखो रैंक दिया है आपका, रैंक यहाँ भी ऑल ओवर रैंक ही रहेगा आपका, क्योंकि कैटेगरी रैंक तो कोई पता नहीं है। ओवल आर रैंक व्यापम मेरिट रैंकिंग यहाँ पर आपको देखना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे कौन से कैटेगरी उसको दिया नहीं है, ओबीसी एसटी सब दे देना था लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। रैंक भर दिया है वाला रैंक, यहाँ पे आप व्यापम द्वारा जो दिया गया उसको डाल देना, जैसे मैंने बोला 700 है तो 700 यहाँ पे लिख दीजिए। अभ्यर्थी के पूरा नाम जैसे मान लीजिए जी जिस प्रकार से हैं पी के साहू जैसे हम लिखते हैं, है ना, उस प्रकार से लिख दीजिए पी के साहू यहाँ पर लिख दीजिए। आप महिला हैं, शादी हो गया है तो पति में टिक लगा दीजिए, है ना, और पिता है तो पिता में टिक लगा दीजिए, टिक बस लगाना है आपको। लिंग पर चिन्ह टिक लगा दीजिए, महिला हो तो महिला में, पुरुष हो तो पुरुष में, अन्य है तो अन्य में। जाति है तो यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे भी हो अनारक्षित है जो भी है, अनुसूचित जनजाति यहाँ पर आप लिख दीजिए। स्थायी पता निवास प्रमाण पत्र के अनुसार, देखो यहाँ पर एक चीज़ लिख दिया गया है, निवास प्रमाण पत्र के अनुसार बोल दिया गया है, तो निवास प्रमाण पत्र एक बार बनता है और कई लोग बना भी लेते हैं। यदि आपके पास डबल बन गया है, कभी गुम जाता है तो बना लेते हैं, तो उसके आधार पे आप लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, जिला राज्य जैसे भी है। निवास प्रमाण पत्र तो कभी कभी हम लोग निवास चेंज कर देते हैं, तो स्थायी पता लिखना है, लेकिन यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र के आधार पर लिखा गया है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र राज्य के आधार पे होते हैं तो कभी ग्राम चेंज हो जाता है, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, जिला भी चेंज हो जाता है, तो उसके आधार पे लिख दीजिए जैसा कहा गया, या तो आप छोड़ दीजिए यहाँ पे, वहाँ जाने के बाद आप भरें इसको तो ज़्यादा बेटर होगा। वहाँ पूछ लीजिए सर हम ऐसा ऐसा बात है तो क्या करें, अपने हिसाब से कुछ चीज़ को नहीं भरा जाता, कुछ चीज़ को पूछ के भी भरा जाता है। जन्म तिथि जैसे 10वीं का है ना, जैसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं 10वीं का आपका जो है उसके हिसाब से वर्ष जैसे लिख दीजिए, यहाँ पे हिंदी में कितने दिन हुआ है 1 जनवरी 2023 की आयु का आपका वर्ष कितने वहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा साथियों, निवास प्रमाण पत्र राजपत्रित क्रमांक यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ लिखा होता है जिसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ रहता है साथियों प्रकरण क्रमांक, सॉरी है ना, प्रकरण क्रमांक जैसे लिखा रहता है, जैसे मेरे में लिखा है इस प्रकार से, है ना, और उसके बाद ये तो लिखा ही रहता है। उसके बाद वर्ष 2008 जैसे लिखा हुआ है, 2009 जारी दिनांक सबके में लिखा रहता है तो लिख दीजिए यहाँ पे सितंबर, जैसे कि मान लीजिए 9वां महीना या सितंबर लिख सकते हो आप 2000 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। विशेष पिछड़ी जनजाति यदि हैं, हाँ है ना, नहीं है तो आपको कौन से जाति का हो, जैसे एसटी एससी जो भी है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि साथ ही विशेष पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे संलग्न करना।
आय प्रमाण पत्र यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिलियर के लिखा रहता है साथियों, तो आपको पता होगा स्थायी जाति प्रमाण पत्र में नॉन क्रिमिलियर करके साफ साफ वहाँ पे उल्लेख रहता है, श्रेणी में नहीं आते करके, है ना, क्रमिक एवं क्रिमिलियर में नहीं आते करके, और साथ ही साथ वहाँ पे कुल वार्षिक आय भी मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको बताने के लिए कहना चाहूँगा, यहाँ पे आप यदि आय बनवा लिए होंगे, जैसे कोई दिसंबर में बनवा लिए होंगे, कहने का अर्थ है यदि आप फॉर्म डालने से पहले का भी आप बनवा लियो 6 महीने पहले का, तो भी मेरे ख्याल से वो चल जाएगा, है ना, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपके पास आय प्रमाण पत्र मौजूद है, तो आप भरे होंगे तो क्रमांक डाल दीजिए और दिनांक डाल दीजिए। नहीं है यदि आप अभी बनाए हो, सत्यापन से पहले बनाए हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इस दिनांक तक के चाहिए, और वर्तमान का चाहिए बोलेगा, मान लीजिए जारी रिजल्ट आने के पहले का चलेगा बोलेगा, तो बहुत लोग बनाए नहीं रहते हैं, तो इसके लिए मेरे ख्याल से अभी का या 6 महीने पहले का यदि आप बना लिए हो तो बिल्कुल ले जाइए, यदि बशर्ते किसी के पास नहीं या बनवाए नहीं हो तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ पे समय मांगेंगे, समय 2-4 महीना या एक हफ्ते का समय मांग लीजिए, एक हफ्ते में बन जाता है यदि एकदम ज़रूरी है बोलेंगे तो। लेकिन जब 2019 में जब मांगा जा रहा था, तो वो जब मांगा जा रहा था तो कई लोगों को इसी के बेस में अपात्र कर दिए गए थे, क्योंकि वहाँ ये बोला गया था कि रिजल्ट आने के पहले का हमको आय प्रमाण पत्र चाहिए। तो भाई जब रिजल्ट 1 साल पहले आया है, अब अभी आप सत्यापन कर रहे हो, तो किसी के पास नहीं था, किसी को जानकारी नहीं था, मांगा जा रहा था, लेकिन उसके बाद जब बातचीत चला, विरोध चला, तो तब जाके वो ऑप्शनल में था, उसके बाद मांगना शुरू बंद कर दिए। तो यहाँ भी इस बेस पे अपात्र नहीं किया जा सकता यदि आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं है। आपको ज़रूर इसमें समय दिया जाएगा, 1 हफ्ते का 10 दिन का जैसे भी 15 दिन का आपको समय दिया जाएगा, आपको दावा पत्र करने का भी समय दिया जाएगा, दावा पत्र करने की भी आवश्यकता नहीं होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे कहीं ना कहीं समय आपको देंगे। इसके लिए आपको स्पष्ट जो है कहना चाहूँगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, किसी भी हालत से आप अपात्र नहीं करेंगे आपको, है ना, पुराना वाला लेके जाइए, है ना, जारी दिनांक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है मंगेगा वर्तमान का चाहिए तो समय दीजिए, सीधी से बात, आप समय मांग लीजिए, है ना। अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि आप शासकीय सेवक हो तो यहाँ पे लिख दीजिए क्रमांक, दिनांक, आपका NOC और किस विभाग में हो, क्या हो, उसको भी आप लिख दीजिए। उसके बाद दिव्यांगता हो या है या नहीं, उसके प्रकार, प्रतिशत, यहाँ भूतपूर्व सैनिक है तो प्रमाण पत्र यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण वर्ष डालिए, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत और श्रेणी। उसके बाद देखेंगे स्नातक उपाधि, जो कि शिक्षक हो आप, है ना, तो स्नातक तो यहाँ पे लगेंगे तो यहाँ पे डालिए, फिर वही ये चीज़ है, आप डेड हो तो डेड में टिक लगाइए, डेलेड हो तो डेड, बीएड हो तो बीएड, उत्तीर्ण वर्ष लिखिए, है ना, प्रमाण पत्र जारी दिनांक लिखिए, यहाँ पे कब जारी दिनांक हुआ है उसको लिख लीजिए। TT पात्रता, पूरा माध्यमिक का उत्तीर्ण वर्ष, प्रमाण पत्र जारी दिनांक लिखिए। CTET हो तो CTET का लिखिए, CGTET हो तो CG, स्पष्ट लिख दिया, पहले तो नहीं लिखा जाता था CTET, TT बस लिखा जाता था, स्पष्ट लिख दिया गया है। अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर आपको डालना आवश्यक है, क्योंकि उसी पर अभी दिया जाता है, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर रहेगा यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर सत्यापनकर्ता अपना हस्ताक्षर करेंगे। कभी कभी तुरंत यहाँ पर आप देख रहे होंगे, उस सबसे ऊपर आप देखेंगे, कभी कभी आपके सामने ही पात्र अपात्र लिख देते हैं, कभी कभी यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ आय प्रमाण पत्र के आधार पे मैंने ज़्यादा बताने का प्रयास किया। आय प्रमाण पत्र के यदि कोई सोच रहा होगा कि हम अपात्र हो जाएंगे, तो आपको मैं निश्चित कहना चाहूँगा या आपको वो करना चाहूँगा कि बिल्कुल भी आपको अपात्र नहीं करेंगे, आपको समय दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा चीज़ है ये कि आय प्रमाण पत्र केवल 6 महीने के लिए लागू होता है। भाई कोई 6 महीने पहले से बनाया है, कोई अभी बनाएगा, कोई बनाया नहीं है, है ना, तो ये बनता रहता है, ये ऑप्शनल है। जैसे कि आप 10वीं का मार्कशीट, ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया और गुम गया तो अब तुरंत मिल जाएगा, उसको उसका प्रोसेस होता है, 10वीं का एक बार बन गया तो ज़िंदगी भर चल, ऐसा हम सोचिए थोड़ी है, ये तो 6-6 महीने में चेंज होता रहता है ना आय, तो आय चेंज होता रहता है, तो इसके लिए कोई घबराने की आपको आवश्यकता नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अब इसी क्रम में आपको सेट करके ले जाना है, शेयर करके ले जाए, कम से कम 2 से 3 प्रति लेके जाए, 1 प्रति मंग रहा है तो 2 से 3 प्रति लेके जाइए, स्वहस्ताक्षर यहाँ पे ले, स्वहस्ताक्षर करना है, या तो नहीं मत करिए, वहाँ पूछने के बाद करिए, क्योंकि यहाँ भी कहीं पे लिखा नहीं है, तो
मेरे ख्याल से वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड मांगते हैं, तो सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाइए। और यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष स्नातक का विवरण दिया है ना, स्नातक वर्ष का आखिरी का डालना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है इसमें, है ना, किस वर्ष को कम्प्लीट हुआ है। तीनों वर्ष के ले जाइए, तीनों वर्ष को आपको लेके जाना पड़ेगा, तीनों वर्ष का, क्योंकि मंग लेते हैं तो आपको वापस आना ना पड़े। तो सभी का पूरा पूरा लेके जाइए, एक्स्ट्रा लेके जाइए, ना कि कम, जितना हो सके आप एक्स्ट्रा लेके जाइए, है ना। जैसे जहाँ पे विवाह प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है तो आपको विवाह प्रमाण पत्र लेके जाना कि जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी का नाम में त्रुटि है तो एफिडेविट बनवा के ले जाइए, मंगे का तब दीजिए, पहले से देने की आवश्यकता नहीं। जो जो चीज़ वहाँ पे मांगा जा रहा है वही भी चीज़ आप देंगे। कभी कभी शपथ पत्र मांग लेते हैं, तो शपथ पत्र कई लोग बनाते हैं, कई लोग नहीं बनाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद ज़्यादा पता चलता है ना। तो मेरे ख्याल से सभी लोग, सभी चीज़ें आपके पास जो जो है सारी चीज़ें आपको लेके जाना चाहिए, ना कि कम लेके जाइए। क्योंकि पिछले हमने देखा है कि उसको बार बार बुलाया जाता था, दूसरे दिन तीसरे दिन, यहाँ पे अनुपस्थित लोगों को भी समय दिया जाता है, तो आप तो लेके जा रहे हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिंदास जाइए, अच्छे से जाइए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।